कसिया नगर SI संजय सिंह की मौजूदगी में चली गोली। नमस्कार, आपके साथ में हूँ वैशाली, आप देख रहे हैं KPBN न्यूज। सड़क निर्माण के विरोध पर हुआ बवाल। बताते चले कि कसिया थाना का मामला है, सड़क निर्माण को लेकर अवरोध कर रहे डॉक्टर संजीव सिंह ने हाटा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पर पिस्टल तान देने का मामला आ रहा है, जिसमें कसिया नगर SI संजय सिंह भी मौके पर मौजूद थे। दिए तहरीर में सुधीर राव पुत्र राजकिशोर राव निवासी सपहा रोड लक्ष्मी टॉकीज कंपाउंड कसिया कुशीनगर ने बताया कि 9 नवंबर को 10:53 पर हम प्रार्थी के घर आने वाले रास्ते को नगर पालिका कुशीनगर के द्वारा बनाया जा रहा है। उक्त रास्ते को डॉक्टर सतीश कुमार सिंह पुत्र महात्म सिंह निवासी सपहा रोड लक्ष्मीकांत टॉकीज कंपाउंड कसिया कुशीनगर द्वारा सड़क निर्माण को रोक दिया गया। मौके पर थाना कसिया पुलिस को डॉक्टर संजीव सिंह के द्वारा बुलाया गया। पुलिस द्वारा हम प्रार्थी को भी फोन करके मौके पर बुलाया गया। मैं प्रार्थी जो ही वहां पहुंच कर डॉक्टर संजीव से कहा कि क्यों नहीं सड़क बनने दे रहे हैं, ये सड़क सबके लिए है, ना कि किसी एक व्यक्ति के लिए। बस इसी बात पर नाराज होकर संजीव सिंह द्वारा अपने लाइसेंसी पिस्टल द्वारा हम प्रार्थी को जान से मारने की नियत से पुलिस की मौजूदगी में ही पिस्टल लहराने लगा। पुलिस द्वारा छीना छपटी में फायर कर दिया गया। मैं किसी तरह झुक कर अपनी जान बचाई। मौके पर सुभाष प्रसाद सुशील कुशवाहा आदि ने घटना को देखा, तहरीर देकर उचित न्याय की मांग की गई। इस घटना पर कसिया थाना अध्यक्ष आशुतोष तिवारी का कहना है कि तहरीर मिलने पर कार्यवाही होगी। भाई एक बात सुनिए, क्या था मामला, कैसे हुआ? आज सुबह नगर पालिका कसिया कुशीनगर द्वारा 10वीं टॉकीज कंपाउंड में CC सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। क्योंकि बीच में आधी सड़क बन गई है, बीच में डॉक्टर संजीव सिंह द्वारा अवरोध पैदा किया गया है। 10 दिन से सड़क नहीं बन रही थी तो अगल बगल के दुकानदार परेशान थे। उन लोगों ने जब सड़क बनना स्टार्ट हुआ पुनः PO के नेतृत्व में, तो डॉक्टर संजीव कुमार सिंह मौके पे आके सड़क रोक दिए। फिर दुकानदारों द्वारा हमको मौके पे बुलाया गया। चूंकि पूर्व में मैंने ही पंचायत किया था कि सड़क 20 फुट है, 20 फुट बनेगी, उसी पे तैश खाके डॉक्टर संजीव सिंह द्वारा पिस्टल निकाल लिया गया। उस समय मौके पे पुलिसकर्मी मौजूद थे, उनके द्वारा पिस्टल निकाल के फायर किया गया। तत्काल पुलिसकर्मियों के कुशलता की वजह से या उनकी चालाकी समझिए, उन्होंने तत्काल उस फायर किए हुए पिस्टल को अपने हाथ से मारा, जिससे गोली मुझे नहीं लगी। और हमारी हत्या की नीयत से डॉक्टर संजीव सिंह द्वारा ये कृत्य किया गया है। ये किस तरह के डॉक्टर, सरकारी है या प्राइवेट करते हैं क्या? डॉक्टर संजीव कुमार सिंह संभवतः मेरठ में डिप्टी CMO के पोस्ट पे पोस्टेड हैं, सरकारी डॉक्टर हैं, आई सर्जन हैं, ये देवरिया में रहते हैं, मेरठ में नौकरी करते हैं और यहाँ आके प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं अवैध, जिसकी पूर्व में भी SDM महोदय को सूचना दी गई थी कि बिना लाइसेंसी हॉस्पिटल चला रहे हैं, उससे भी ये खार खाए होंगे, इसीलिए मेरी हत्या की नीयत से इन्होंने फायरिंग किया है। क्या कार्रवाई, क्या कार्रवाई की मांग करेंगे सर? इस पे हम तत्काल, जो हमारी मांग है कि हत्या का प्रयास से लेके सभी गैंगस्टर की कार्रवाई किया जाए, कि इतनी बड़ी डॉक्टर जैसे पेशे में रहते हुए इतनी बड़ी चूक करना, पिस्टल सरेआम निकाल लेना, फायरिंग करना, इस पे तत्काल गैंगस्टर की कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार हमारी योगी जी ने कहा है जीरो टॉलरेंस अपराध, जीरो टॉलरेंस है, ऐसे डॉक्टरों पे तत्काल गैंगस्टर की कार्रवाई करके जेल भेज देना चाहिए और इनको इनके विभाग से कार्य मुक्त कर देना चाहिए।